फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को आप उनके भोजपुरी गानों के लिए, उनकी एक्टिंग के लिए और जाहिर तौर पर उनके स्वभाव के लिए काफी पसंद करते हैं। मुझे याद है जब वो बिग बॉस में आए थे तो जो उनका एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट जेस्चर देखने को मिला था, मतलब लोगों की पूरी छवि ही उनके प्रति बदल गई थी। लोगों को ये लगता था जिस तरीके से फिल्मों में वो रोल करते हैं उसके उलट वो अपनी असल जिंदगी में बेहद संवेदनशील हैं, बेहद शाय हैं, लड़कियों से बात करने में झिझकते हैं। और अगर आपने बिग बॉस का सीजन देखा था जिसमें खेसारी लाल यादव आए थे, तो आप भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत ज्यादा शर्मीले स्वभाव के वो दिखाई दिए थे। लेकिन हाल ही में मुंबई की सड़कों पर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि खेसारी लाल यादव बहुत गुस्सीले हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। मतलब हुआ ये कि वो अपनी एसयूवी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे थे, मुंबई की ये बात है, मुंबई की सड़क पर थे, अचानक से उनको ब्रेक लगाने पड़े और पीछे से जो बस आ रही थी उन्होंने उनकी जो गाड़ी थी उसमें वो बस दे मारी। मतलब कि ये हादसा था। हालांकि राहत की बात ये रही कि खेसारी लाल यादव को इसमें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को बड़ा डैमेज हो गया। खेसारी लाल यादव बाहर निकले, देखा कि गाड़ी को डैमेज हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि सीधा बस में चढ़े, बस ड्राइवर को उतारा और फिर उसको जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर ये जो पूरा हादसा हुआ और इसके बाद ये जो पूरा विवाद हुआ, मारपीट हुई, इसको लेकर वीडियोस और जो फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और लोग खेसारी लाल यादव के इस स्वभाव से, इस व्यवहार से काफी ज्यादा मतलब हैरान है। लोगों को लग रहा है कि ये भी अवतार ले सकते हैं खेसारी लाल यादव। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि उस बस में एक महिला यात्री भी थी जिन्होंने बाहर निकलकर ये बात सबके सामने कही कि गलती खेसारी लाल यादव की थी, ड्राइवर की नहीं थी। तो ये जो गुस्सैल अंदाज खेसारी लाल यादव का सामने आया है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनको अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस ड्राइवर की गलती होगी, ये लोग चलाते ही ऐसे हैं, ये लोग देखते नहीं है, तो कुछ लोग एक्टर की भी गलती निकाल रहे हैं। आप बताइए ये फोटोज देखकर और ये पूरी खबर को सुनकर आपको क्या लगता है कि पूरी राय आपकी क्या है इस खबर को लेकर? आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव को ये जो गुस्सा आया है, जिस तरीके से उन्होंने मारपीट की है, ये जायज थी या फिर ना जायज थी? जो भी आपका मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।